हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन इस वीडियो विच आपां डिस्कस करांगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन दी वैकेंसी दे बारे, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट ते जारी कर दिता गया है। इस दे विच एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफिसर दीआं वैकेंसीज दे नेड़ियां जारी कीतीआं गईआं ने, एनिमल एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर ऑफ फार्मरस डिपार्टमेंट दे विच। उस तो बाद गल करते हैं आप टोटल वैकेंसीज की। इस दे विच टोटल 141 पोस्टस ने जिहड़ियां ओह आउट कीतीआं गईआं ने एग्रीकल्चर डिवेलपमेंट ऑफिसर दीआं। इस वीडियो में मैं तुहानू दसूंगा कि इसकी जी फीस रखी गई है, क्वालिफिकेशन जी की मंगी गई है, पेपर का पैटर्न किस तरह का होएगा, सारा कुछ आप इस वीडियो के माध्यम नाल डिटेल में चर्चा करांगे। सो इस वीडियो में पूरे ध्यान नाल स्टार्टिंग तो लैके एंड तक जरूर देखना है और ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो में शेयर करना है, ताकि जो भी पंजाब के स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हां तक यह वीडियो पहुँच सके। सब तो पहला गल करते हैं जनरल की वैकेंसीज के बारे। इस जनरल वैकेंसीज जो ने 55 वैकेंसीज ने। उस तो बाद अपनी कैटेगरी के हिसाब के नाल इतने जिहड़ियां वैकेंसीज ने चैक कर सकते हो। उस तो बाद गल करते हैं जी EWS है उन्हें कितनियां वैकेंसीज, 14 वैकेंसीज ने EWS दियां जारी कीती गई ने 14 वैकेंसीज। यह टोटल वैकेंसीज होंगे ने 141 पोस्ट्स। बाकी इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुहानू मिल जूगा, तुसी अपनी कैटागरी के हिसाब के नाल चैक कर सकते हो। उस तो बाद गल करते हैं पे स्केल की। इस दे विच जिहड़ा तुहानू पे स्केल मिलेगा वह मिलेगा 15,600 तो लैके 39,100 रुपये तक। उस दे विच मैं तुहानू लास्ट टाइम एक PPSC की वैकेंसी दसी सी, उस दे विच ग्रेड पे सी जिहड़ा वह 4400 रुपये सी, बट इस दे विच 5400 रुपये तुहानू ग्रेड पे मिलेगा, क्योंकि यह जिहड़ी वैकेंसी है यह है ग्रुप ए की वैकेंसी। क्योंकि तुहानू पता है जिहड़ा भी PPSC नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है वह काफ़ी अच्छे लैवल की पोस्ट जिहड़ी रिलीज़ करता है। उस तो बाद गल करते हैं आपां असेंशियल क्वालिफिकेशन की, यानी कि जिहड़ी क्वालिफिकेशन है वह की मंगी गई है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। इसलिए तुहाडे कोल जिहड़ी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BSc एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए है किसी भी रिकगनाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन तो, विद मिनिमम 60% मार्क्स, 60% मार्क्स जिहड़े तुहाडे मिनीमम होने चाहिए ने इस BSc की डिग्री के। जेकर तुहाडे कोल MSc है एग्रीकल्चर के भी तुसी इस फॉर्म को भर सकते हो, एलिजिबल हो तुसी। उस तो बाद गल करते हैं पंजाबी मैट्रिक्स के होनी चाहिए, 10वीं के जिहड़ी पंजाबी है वो पढ़ी होनी चाहिए है। उस तो बाद गल करते हैं आपां एज क्राइटेरिया की। इस दे विच एज जिहड़ी 18 तो लैके 37 साल मंगी गई है, यानी कि तुहाडी एज जिहड़ी काउंट होएगी 1/1/2020 तो। बाकी तुहानू पता ही है SC कैटागरी के लिए छोट होंदी है, BC कैटागरी के लिए वो तुहानू सब नू पता है। उस तो बाद गल करते हैं आपां कॉम्पीटेटिव एग्जामीनेशन फॉर सिलेक्शन। इसका जिहड़ा तुहाडा कॉम्पीटेटिव एग्जाम होएगा यह होएगा 8/3/2020, यानी कि इन्होंने पहली डेट है जी मैंशन है कि तुहाडा जिहड़ा एग्जाम होएगा वह होएगा 8 मार्च 2020। तो जिहड़े एडमिट कार्ड ने यह जारी कर दिए जाएंगे 3/3/2020, यानी कि तुहाडे एडमिट कार्ड मिल जाएंगे तुहानू 3 मार्च 2020 इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट पर या फिर ईमेल के माध्यम नाल जिहड़ा तुसी फिल करोगे उसते तुहानू इसका जिहड़ा एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उस तो बाद आप प्रोसीजर देखते हैं जिहड़ा कॉम्पीटेटिव एग्जाम का होएगा वह किस तरह का होएगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जिहड़ी वैकेंसीज ने जिहड़ियां जारी कीतीआं गईआं ने मैं तुहानू पहलां भी दस्सिया है। उस तो बाद गल करते हैं 300 मार्क्स का जिहड़ा तुहाडा पेपर होएगा, 120 क्वेश्चन जिहड़े पुछे जाणगे, एक क्वेश्चन जिहड़ा 2.5 मार्क्स का होएगा। उस तो बाद गल करते हैं इंटरव्यू की। इस दे विच इंटरव्यू है बिल्कुल है, 40 मार्क्स की इंटरव्यू है जिहड़ी काउंट की जाएगी इस पोस्ट के। सब तो पहला गल करते हैं फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि जेडे तुहाने सब्जेक्ट पढ़े हुए ने BSc एग्रीकल्चर के, उस दे विचों 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिदे मैक्सीम मार्क्स होंगे वह हो 250 मार्क्स, यानी कि जेडे तुहाने सब्जेक्ट ने जोड़े पढ़े हुए हैं वह आने 100 क्वेश्चन 250 मार्क्स के। उस तो बाद गल करते हैं लॉजिकल रीजनिंग मैंटल एबिलिटी की, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन आने 10, इस मैक्सीम मार्क्स होंगे 25। उस तो बाद गल करते हैं GK की या फिर करंट अफेयर की, यानी कि दोनों मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस जो मैक्सीम मार्क्स होंगे वह हो 25 मार्क्स होंगे इस टोटल। उस तो बाद गल करते हैं 120 क्वेश्चन होंगे टोटल, इस दो घंटे प्रोवाइड किए जाएंगे इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, 300 मार्क्स का तुहाडा जिहड़ा टोटल पेपर होएगा। उस तो बाद इंटरव्यू की गल की इन्होंने 40 मार्क्स की, 40 मार्क्स की तुहाडी जिहड़ी इंटरव्यू करवाई जाएगी, यानी कि तुहाडा जिहड़ा पेपर पूरा होएगा वह होएगा 340 मार्क्स का, जिहदे विच इंटरव्यू है जिहड़ी वह इनकलूड होएगी। उस तो बाद इन्होंने सी कॉलम दे विच दस्सिया है कि जिहड़े कैंडीडेट ने यह 2 टाइम्स तो वध नहीं बुलाए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, यानी कि शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे 2 टाइम्स तो वध, यानी कि मान लो ये टोटल कितनियां पोस्टस ने 141 पोस्टस ने, तो मन के चलो कि 282 कैंडीडेट्स इन्हां दे लई इंटरव्यू दे लई बुलाया जाएगा जिन्हां दे मैक्सीमम मार्क्स होणगे
उस तो बाद इन्होंने दस्या है कि इस दे विच कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं है क्योंकि PPSC जो भी पेपर कंडक्ट करवाता उस दे विच कोई भी नैगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उस तो बाद जी आंसर की वगैरह यह इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट पर जारी कर दी जाएगी उस दिन। इस तरह के जोड़े फीचर्स ने लिखे गए हैं, तुम इन्हों पूरा पूरा जरा रीड कर सकते हो। इसका लिंक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जूगा, तुम पूरा नोटिफिकेशन जरा वह पढ़ सकते हो। उस तो बाद इन्होंने जोड़ा सिलेबस है सब्जैक्ट्स का वह मैनशन किया है, तुम इन भी चैक कर सकते हो। टैक्नोलॉजी फॉर इंप्रूवड कल्चर प्रैक्टिस सारा कुछ है जरा इनू पढ़ सकते हो। रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप्स सारा कुछ है तुम रीड कर सकते हो उत्थों। उस तो बाद गल करते हैं जेडे जोड़ा पेपर होएगा तोड़ा उस जे एडमिट कार्ड ने वह कदों रिलीज़ किए जाएंगे, ये किए जाएंगे 3 मार्च 2020 जे एडमिट कार्ड इन्हों की ऑफिशियल वैबसाइट पर मिल जाएंगे या फिर तुम्हें ईमेल के माध्यम नाल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उस तो बाद गल करते हैं एक इन्होंने दसिया कि 31/3/2020 तक जेकर तुम पूरा जरा अपीयर कर जाते हो तो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि इस टाइम साड़ी जी BSc एग्रीकल्चर चल रही है असी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं तो यही गल है जी क्लीयर कर देना, तुम इस फॉर्म को फिल कर सकते हो जेकर 31/3/2020 तक जी BSc एग्रीकल्चर है उसनों तुम फुलफिल करते हो कंप्लीट कर लेने तो इस फॉर्म को भर सकते हो 31/3/2020 तक जेकर तुम इस कंप्लीट कर लेने। उस तो बाद गल करते हैं आप यानी कि इस दे विच जिहड़ा रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 2020 तक तुम इसका जिहड़ा फॉर्म है फिल कर सकते हो ऑनलाइन। तो फीस भरन की जी लास्ट मिति है वह है 27/2/2020 27/2/2020 तक तुम इस जी फीस फिल कर सकते हो। उस तो बाद गल करते हैं आप जी इसकी फीस है वह कितनी रखी गई है। इस दे विच SC और ST कैंडिडेट्स के लिए या फिर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट ओनली उन्हां दी फीस है जी वह मंगी गई है 1125 रुपये यानी कि 500 रुपये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है तो एग्जामीनेशन फीस है 625 रुपये। उस तो बाद एक्स सर्विसमैन की गल करते हैं पंजाब स्टेट ओनली इसकी जी फीस है वह 500 रुपये रखी गई है। उस तो बाद जनरल कैटागरी या फिर अदर कैटागरीज उन्हों की फीस है जी 3000 रुपये, तुम्हें पता है जी जनरल कैटागरी की फीस होंगी है PPSC के पेपर होंगे 3000 रुपये। उस तो बाद परसन विद डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप्ट होंगे जो स्टूडेंट उन्हों की फीस है जी 1750 रुपये फीस है जी रखी गई है इस फॉर्म के लिए। बाकी तुम सारिया कंडीशनज जी रीड कर सकते हो जिहड़ियां मेन सी मैं तुम्हें सारिया जी रीड करके दस दिया ने ते समझा दित्तियां ने कि जिहड़ियां कंडीशनज ने इन्होंने फुलफिल करने नूं कहा है। इस दे विच यानी कि बैकवर्ड क्लासेस सारा कुछ मैनशन है यानी कि उन्हां दी डेफिनेशन वगैरह मैनशन है किहड़े स्टूडेंट ने इस दे विच आंदे ने सारा कुछ डिटेल विच कवर किया गया है। तुसीं इहनूं पूरे दे पूरे नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड कर सकते हो। जेकर तुहानूं इस पोस्ट दे रिलेटड हले भी कोई डाउट बचता है तो तुसीं सानूं कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके पूछ सकते हो, तुहाडा कमेंट जिहड़ा 100% रिप्लाई किया जाऊगा ते तुहाडा जिहड़ा डाउट है वह क्लीयर किया जाऊगा। सो इस वीडियो विच बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो विच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जेकर तुमने साडा चैनल वाईफाई एजुकेशन नू हले तक सबसक्राइब नहीं किया है तो चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो और वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा अपने फ्रेंड नाल शेयर करो ताकि जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल ने वो इस फॉर्म नू जरूर फिल कर सकन। तो वीडियो नू लाइक जरूर करो। जेकर तुम चाहते हो कि इस तरह की नोटिफिकेशनस तुहानू सब तो पहला मिलन तो तुम इस चैनल नू सबसक्राइब कर सकते हो तो बैल आइकन नू भी जरूर प्रेस करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लैस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।